सत्तर दिन के अंतराल में नहीं 25% यानी कि और सुधार है सेवा एक हफ्ता में एक हफ्ता के अंतराल में। तुमन कहाँ से आए हो? हमन पुंडारी। पुंडारी गदक देखे आए हो? ये गदक बारे में कहा जाना था आप मन ये अपना चूर रही से बाढ़ गा पाछू हीरा वर्मा कहाँ के आप मन सुंदरडी तो आप मन गदा देखे आए हुआ? इन दिनों छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर चमत्कार दिख रहे हैं, जैसे कवर्धा के सिलहाटी वाले बाबा, महासमुंद जिला के किशनपुर के खेत में प्रकट हुए शिवलिंग के बाद अब बलौदाबाजार जिला में भी चमत्कार सामने आई है। बलौदाबाजार से 35 किलोमीटर दूर रेंगाडी गांव, जहां नीम के पेड़ में एक गदा का आकार प्रकट हुआ है, लोग इसमें भी आस्था रखते हुए पूजा पाठ शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है गांव में कुछ साल पहले नीम पेड़ के नीचे बजरंगबली का स्थापना किया गया था और धीरे धीरे पेड़ में गदा का आकार बनना शुरू हुआ और अब इस पेड़ में गदा का आकार बहुत बड़ा हो गया है। लोग इस पेड़ का परिक्रमा कर पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बजरंगबली पर विश्वास करते हुए पेड़ का छाल और वहां की मिट्टी को घर ले जा रहे हैं। यह जगह खरोरा से 12 किलोमीटर दूर है। यहां के बारे में हमने जानकारियां ली तो पता चला पहले एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हुआ था जो जमीन पर चल फिर नहीं पा रहा था, उसी ने इस नीम पेड़ के नीचे बजरंगबली की स्थापना की और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार हुई और आज वह बिल्कुल स्वस्थ है। गांव वासियों का कहना है बजरंगबली की स्थापना के बाद से पेड़ में गदे का आकार निकलना शुरू हुआ था। प्रारंभ में एक छोटी गेंद की तरह यह आकार दिख रही थी जिसे लोगों ने काट कर बाहर निकाल दिया था, किंतु कुछ दिनों बाद फिर से आकार बनना शुरू हो गया और आज पेड़ पर एक विशाल गदे का आकार उभरा है। इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है यह तो वनस्पति वैज्ञानिक जाने या फिर इसमें आस्था रखने वाले लोगों का मन। इसको दिखाने का हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रदेश में घट रही घटना को दिखाना मात्र है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।